इंग्लिश सीखना आपके बस की बात नहीं है फ्रेंड्स। कई बार हमें अपने लाइफ में इस तरह के सेंटेंसेस बोलना होता है जहां कहते हैं बस की बात नहीं है, जैसे गवर्नमेंट जॉब पाना तुम्हारे बस की बात नहीं है, या कामयाबी पाना तुम्हारे बस की बात नहीं है, मुझे हरा पाना तुम्हारे बस की बात नहीं है, इसे कर पाना आपकी बस की बात नहीं है। तो फ्रेंड्स कई बार हमें अपने लाइफ में इस तरह के सेंटेंसेस बोलना होता है जहां कहते हैं तुम्हारे बस की बात नहीं है। तो आइए देखिए कि इस तरह के सेंटेंसेस को कैसे बोलना है। फ्रेंड्स अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को हिट करें ताकि मेरा लेटेस्ट वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। तो आइए फ्रेंड्स आज की लेसन की शुरुआत करते हैं। फ्रेंड्स इस तरह के सेंटेंसेस को बोलने के लिए आप कहते हैं आउट ऑफ योर कैपेसिटी, जिसका मतलब होता है कि आपकी बस की बात नहीं है। जैसे इंग्लिश बोलना आपकी बस की बात नहीं है, तो सेंटेंस के लिए आप कहेंगे स्पीकिंग इंग्लिश इज आउट ऑफ योर कैपेसिटी, यानी इस काम को करना आपकी बस की बात नहीं है। मर्सिडीज खरीदना तुम्हारे बस की बात नहीं है, तो सेंटेंस के लिए आप कहेंगे बाइंग अ मर्सिडीज इज आउट ऑफ योर कैपेसिटी, यानी इस काम को करना तुम्हारे बस की बात नहीं है, तुम्हारे बस के बाहर है। महान बनना तुम्हारे बस की बात नहीं है, बीइंग ग्रेट इज आउट ऑफ योर कैपेसिटी, यानी यह काम करना तुम्हारे बस के बाहर है, तुम्हारी बस की बात नहीं है, इसे करना तुम्हारी बस की बात नहीं है। डूइंग दिस इज आउट ऑफ योर कैपेसिटी, कामयाबी पाना तुम्हारे बस की बात नहीं है। गेटिंग सक्सेस इज आउट ऑफ योर कैपेसिटी। तो फ्रेंड्स उम्मीद करता हूँ कि आपको यह टॉपिक शानदार तरीके से समझ में आया कि जब आपको कहना हो कि तुम्हारे बस की बात नहीं है या ये तुम्हारे बस के बाहर है, तो इस सेंटेंस को बोलने के लिए आप कहेंगे आउट ऑफ योर कैपेसिटी। फ्रेंड्स अगर बाय द वे कहना हो कि मेरे बस की बात नहीं है, तो आप कहेंगे आउट ऑफ माय कैपेसिटी, उसके बस की बात नहीं है, आउट ऑफ हिज कैपेसिटी। अगर वो फीमेल है तो आप कहेंगे आउट ऑफ हर कैपेसिटी, जैसे आपकी मदद करना मेरे बस की बात नहीं है, तो इस सेंटेंस के लिए आप कहेंगे हेल्पिंग यू इज आउट ऑफ माय कैपेसिटी, आपको पढ़ाना मेरे बस की बात नहीं है, तो इस सेंटेंस के लिए आप कहेंगे टीचिंग यू इज आउट ऑफ माय कैपेसिटी, यहाँ इंतजार करना उसके बस की बात नहीं है, वेटिंग हियर इज आउट ऑफ हर कैपेसिटी। तो फ्रेंड्स उम्मीद करता हूँ कि यह टॉपिक आपको शानदार तरीके से समझ में आया। फ्रेंड्स अगर वाकई आपको यह लेसन समझ में आया तो क्या इस वीडियो को शेयर नहीं करेंगे? वीडियो को शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। फिर मिलेंगे कुछ और अच्छा लेसन के साथ, तब तक के लिए बाय।